हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज है मेरे पास में OPPO A31। जी हाँ दोस्तों OPPO A31। तो मैंने आपको बैक साइड से दिखाई दिया है, चलिए एक बार आपको इसी फ़ोन का एवआउट फोन भी दिखा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको पता चल जाए कौन सा फ़ोन है। चलिए एवआउट फोन पर क्लिक कर देंगे और देख लीजिएगा OPPO A31। अगर बात करें मेरे पास कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास 6 GB रैम वहीं 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरियंट है। तो चलिए आगे इसमें सीधे करेंगे पबजी टेस्ट, वो भी हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर। आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप OPPO A31 में पबजी खेलते हो तो भाई कौन कौन से ग्राफिक्स पर खेल सकते हो, आपको इसमें पबजी खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और अभी आपको नया परचेज करना है या नहीं करना। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अपना छोटा भाई समझ के अपना दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। चलिए दोस्तों अगर बात करें इसी फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आपको प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर बात करें इसी प्रोसेसर की गेमिंग के लिए तो ये प्रोसेसर काफ़ी नॉर्मल सा प्रोसेसर है और काफ़ी पुराना प्रोसेसर भी हो चुका है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी गेमिंग तो आपको नहीं करा पाएगा, लेकिन जैसे गेमिंग कराएगा वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें कौन सा ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा तो मुझे पता है स्मूथ और बैलेंस से सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाने वाला हूँ कि फ़ोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा और फ़ोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है। चलिए एक ऐड आ चुका है, इसे हम स्किप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ क्लिक कर देंगे और देख लीजिएगा, इसे हमें कैंसिल कर देते हैं। आपको इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ फोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। तो एरो पे क्लिक करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे और आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं आपको ग्राफिक्स पे क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हो स्मूथ और बैलेंस ही सपोर्ट करेगा, स्मूथ में भी मीडियम और बैलेंस में भी मीडियम को ही सपोर्ट करेगा। चलिए स्मूथ में गेमिंग करके आपको दिखाने वाले हैं कि भाई फोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा, मैंने आपको दिखाई दिया है, अब फोन कैसी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो भाई काफ़ी अच्छी गेमिंग तो नहीं करा पाएगा क्योंकि मैंने आपको प्रोसेसर बताई दिया है, काफ़ी नॉर्मल सा प्रोसेसर है। चलिए जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन कर दिया है, अब जायरोस्कोप सेंसिटिविटी भी मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ कि फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है। आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ फोन का जायरोस्कोप अच्छा वर्क करेगा या अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो मैंने सेंसिटिविटी को लगभग फुल कर लिया है और आपको इन्हीं सेटिंग्स पर दिखाने वाले हैं फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है। चलिए एक मैच स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सारी बातें बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके पास में ये फ़ोन है और आपने फ़ोन ये यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये फ़ोन आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप इस वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसी वीडियो में बताकर जाऊंगा आपको ये फ़ोन अभी नया खरीदना है नहीं खरीदना है। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे दिए गए हैं। अगर बात करें फोन के लुक की तो फोन के लुक काफ़ी ठीक ठाक है, आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। गेमिंग के लिए करना है नहीं करना आगे आपको बताने वाला हूँ। तो भाई गेमिंग के लिए एक अच्छा खासा फोन तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी नॉर्मली गेमिंग कैसे कराएगा आगे आपको दिखाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। जायरोस्कोप देख लीजिएगा, जायरोस्कोप ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट है जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, तो भाई लेकिन फिर भी आप जायरोस्कोप प्लेयर नहीं हो, आप यूज़ करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे खासे जायरोस्कोप प्लेयर हो तो आपके हिसाब से फोन नहीं है। जायरोस्कोप बिल्कुल परफेक्ट वर्क नहीं करता है। आगे गेम प्ले में दिखाते हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो भाई वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों बात करें इसी फोन के प्राइस के बारे में, तो इस फोन का प्राइस 15,000 प्लस आपको मिलने वाला है, फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हो। तो भाई 15,000 में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन और भी मिल जाते हैं। आपको ये फ़ोन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए गेमिंग के लिए, क्योंकि भाई प्रोसेसर काफ़ी नॉर्मल सा है और फोन का प्राइस 15,000 के आसपास आपको दिया गया है। तो भाई 15,000 में तो आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। अगर आपको मैं बताऊँ आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना है, तो भाई आप Poco M2 Pro खरीद सकते हो, आप Redmi Note 9 Pro भी खरीद सकते हो। तो भाई 15,000 में आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फोन मिल जाते हैं, आप रियलमी की तरफ भी जा सकते हो, रियलमी में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप Poco X3 खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो भाई 15,000 के आसपास ही आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे। आपका क्या बजट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसी के हिसाब से बता दूंगा आपके बजट के हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। तो भाई आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, अभी तक भी मुझे ग्राफिक्स अच्छे से रेंडर नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप आपको इस फोन में मिल जाएंगे क्योंकि भाई फोन का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है। और इस प्राइस में तो आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फोन मिल जाएंगे, बस इसीलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ आप इस फोन को नया मत खरीदना। अगर आपके पास में पहले से ही फोन है, आपने खरीद लिया है, तो ऐसे नहीं कि पबजी खेलोगे तो फट जाएगा, नहीं भाई आप नॉर्मली 1-2 मैच दिन में खेल सकते हो, लेकिन भाई ये मैंने आपको बता दिया अच्छी गेमिंग आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा पिंग थोड़ा हाई है, उस वजह से मुझे थोड़े ज़्यादा लैग मिलेंगे। अगर आपका पिंग सही रहता है जहाँ भी आप पबजी खेलते हो तो आपको उतने लैग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई फिर भी आपको इसमें लैग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे अभी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि
मेरा पिंग हाई है, देख लीजिएगा आप स्क्रीन पर भी, तो 300 प्लस मेरा पिंग है। तो भाई फ़ोन उतना अच्छा नहीं है कि पबजी को अच्छे से मेंटेन कर पाए इस पिंग पर भी। अगर आपकी डिवाइस सही होती है तो आपको इस पिंग पर भी, पिंग अगर आपका थोड़ा बहुत हाई भी रहता है तो अच्छी डिवाइस आपको फिर भी काफ़ी अच्छी पबजी खिला देती है, काफ़ी अच्छे से आप पबजी को हैंडल कर लेता है आपका फ़ोन। तो ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई फ़ोन का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाना, आगे आपको दिखाने वाले हैं इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगी तो आगे आपको बताकर जरूर जाऊँगा। दोस्तों 15,000 में आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट है, हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपकी राय को भी जरूर रख सकूं भाई ये वाला फ़ोन बेस्ट है, आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो। और इस वाले फ़ोन के बारे में आपके क्या राय है, ये फ़ोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई ये वाला फ़ोन कैसा है आपके हिसाब से। चलिए वीडियो को आगे देखते रहिए, गेम प्ले खास नहीं है लेकिन मैंने आपको सिर्फ इधर उधर भाग दौड़ कर ही दिखाया है और फ़ोन के परफॉर्मेंस से आपको बताई है। तो मैंने आपको बता दिया फ़ोन नॉर्मली वर्क करेगा, काफ़ी अच्छा फ़ोन है गेमिंग के लिए। 15,000 आप खर्च करोगे तो आप कोई और फ़ोन खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन आपको और भी मिल जाएंगे।